Hello kids! Welcome to my channel, Online Mastery Time. And today again, I am here with class four maths, chapter nine fractions. So before starting my video, I would like to thank to all my dear kids, all my subscribers who are liking my videos and who are supporting me. So thank you so much, children, for watching my video and liking my videos. So. Uh,

इस चैनल से और जो भी मैं कंटेंट्स लेकर आती हूँ मैथ्स के क्लास फोर के तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको ईजीएसट वे में समझने में ठीक है तो हम फ्रैक्शन चैप्टर पे पहुँच गए हैं इससे पहले हमने मेजरमेंट सीखा था ठीक है मैंने मेजरमेंट पढ़ाया था अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है आप देख नहीं सके हैं उसको किसी भी कारण से सो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन वॉच ओके सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक सोकिर्ट्स आई हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर फ्रैक्शंस तो ये सब मैंने फ्रैक्शंस सब में पढ़ा दिया है ठीक है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्टिंग मिक्सड फ्रैक्शन इंटू इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्सड फ्रैक्शन सो टूडे यू आर गोइंग टू लर्न एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में क्या ईजी फॉर्मूला है क्या ईजी वे है जिससे हम ईजीली उसको एड और सब्ट्रैक्ट कर पाएँ ठीक है हमको कोई डिफिकल्टी ना आए तो आज ही आप सीखने वाले हैं ठीक है तो चलिए मेरे साथ सो so, देखिए बच्चों जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ठीक है चाहे वो एम प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो सबसे पहले आपको एडिशन में कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने हैं सबसे पहला रूल है कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ओके सो दैट यू कैन ईजीली एड ठीक है विदाउट एनी डाउट ओके विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऐड द न्यूमरेटर इफ़ डिनोमिनेटर आर सेम लुक एट दिस एग्जाम्पल लाइक दिस फ्रैक्शन आर गिवन जैसे कि फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसमें किस किस तरह से हम ईजिएस्ट वे से इसको क्विकली ऐड कर सकते हैं देखिए सिक्स बाय सेवन प्लस फाइव बाई सेवन को ऐड करना है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है अनलाइक सॉरी लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए ओके okay? अब लाइक like फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो सो हेयर यू कैन सी डिनोमिनेटर्स आर सेम सेवन सेवन ठीक है तो आप डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे सेवन को सेवन ही लिखेंगे एज़ इट इज़ ठीक है कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं वो सेवन प्लस सेवन कर देते हैं फोर्टीन नो यू विल राइट सेवन एज अ डिनोमिनेटर ओनली सेवन ठीक है इस तो एक ही अज्यूम किया जाएगा सेवन क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ओके बच्चों तो अब ओनली न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे सिक्स प्लस फाइव इलेवन ओके सो इट्स वेरी सिंपल टू एड बिकॉज हेयर डिनोमिनेटर्स वर सेम ठीक है ऊपर सिर्फ न्यूमिनेटर को हमने प्लस किया दैट विल बी इलेवन और हमारा जो फ्रैक्शन हुआ एडिशन के बाद इलेवन बाय सेवन हो गया बट आपको एक बात ध्यान रखना है जो हमारा फ्रैक्शन एडिशन के बाद जो फ्रैक्शन आया है क्या वो इम प्रॉपर है इम प्रॉपर मीन्स अब इमप्रॉपर कौन से होते हैं अगर आप भूल गए हैं तो इम प्रॉपर्स आर दोज फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर ओके हेयर न्यूमरेटर इज इलेवन एंड डिनोमिनेटर इज सेवन तो बड़ा है न्यूमरेटर तो आपको डिवाइड करके इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इलेवन बाय सेवन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया वन होल एंड फोर बाय सेवन ठीक है आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑल्सो कि हाउ टू कन्वर्ट इम प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्सड फ्रैक्शन ये भी मैंने समझाया है कि इम प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर आपको ये इसमें कुछ डाउट है आप वो वाली वीडियो सर्च करके फ्रैक्शन की वहाँ से आप सीख सकते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी फ्रैक्शन आंसर में इम प्रॉपर में आ रहा है उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम फाइनल आंसर लिखेंगे ओके नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन ऑफ एडिशन सो दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन वी विल एड बट हेयर यू कैन सी द फर्स्ट फ्रैक्शन इज फाइव बाई एट एंड थ्री बाय सिक्सटीन इज सेकेंड ओके वेन यू विल एड दीज टू फ्रैक्शन यहाँ पर आपको मैंने जैसे पहले बोला था कि डिनोमिनेटर सेम करना है दे शुड बी लाइक फ्रैक्शन ओके बट यहां आप ध्यान से देखिए इधर एट है इधर सिक्सटीन है ओके okay, बच्चो तो आपको एक कॉमन फैक्टर्ड होना है दोनों में ओके okay? तो इसमें जो हम इसको सॉल्व uh, करेंगे तो हम उसमें कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ओके सो एल सी एम बेसिकली एल सी एम निकाल हमको ढूंढना होता है फाइंड आउट करना होता है लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ओके यू कैन से लीस्ट कॉमन मल्टीपल सो दैट विल बी सिक्सटीन ठीक है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सिक्सटीन है आप अगर वैसे एल सी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत इजी वे है मैं आपको समझाती हूँ आपको ये सर्च करना है कि ये जो बड़ा है डिनोमिनेटर सिक्सटीन क्या ये एट के टेबल में आता है क्या ये एट का मल्टीपल है ओके सो यस एट टू जा सिक्सटीन तो आप एट को सिक्सटीन कैसे बनाएंगे आप एट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है एट टू जॉ सिक्सटीन बट आपको याद रखना है फाइव को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके सो दिस इज इक्वी फ्रैक्शन ठीक है दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें हम फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है ऊपर भी नीचे भी सो so, हमने टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया और टू से ही नीचे मल्टीप्लाई किया ओके सो so, ये जो फ्रैक्शन अभी फाइव बाई एट था अब ये क्या हो गया टेन बाय सिक्सटीन ओके और फिर थ्री बाय सिक्सटीन नाव दीज आर लाइक फ्रैक्शंस हमने इनको लाइक like में कन्वर्ट कर दिया क्यों किया कन्वर्ट क्योंकि अब हमको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी डिनोमिनेटर्स आर सेम अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं सिक्सटीन हो गया है तो ऊपर ओनली न्यूमरेटर्स को प्लस करना है नाइन सॉरी टेन प्लस थ्री विल बी थर्टीन सो आंसर इज थर्टीन बाई सिक्सटीन ओके सो दिस इज़ अ अनदर मेथड टू सॉल्व फ्रैक्शन ठीक है इसमें क्या था इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम थे बट इसमें सेम नहीं थे हमने पहले उनको सेम किया डिनोमिनेटर्स को ठीक है लाइक फ्रैक्शंस में हमने इन फ्रैक्शंस को लाइक like फ्रैक्शंस बनाया तो एडिशन उसके बाद हुआ ठीक है बच्चों तो ये आपको इस तरह से मेथड याद रखना है एडिशन का तो अभी आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ओके किड्स नाउ लुक एट दीज टू क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन सो फर्स्ट इज फोर बाय नाइन माइनस टू बाय फाइव हेयर यू विल फोर बाय नाइन फ्राम टू बाई एंड टू बाई फाइव ओके सो यू विल सब्टैक्ट फोर बाई नाइन एंड टू बाई फाइव उससे पहले आपको जैसे एडिशन में हमने चेक किया था डिनोमिनेटर सेम है या नहीं वैसे ही आप इसमें चेक करेंगे ठीक है सो डिनोमिनेटर्स आर नाइन एंड फाइव दे आर नॉट सेम तो हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दोनों का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना है सर्च करना है जो नाइन की टेबल में भी आता है दैट नंबर एंड फाइव की टेबल में भी एंड इट इज़ फोर्टी फाइव तो हम डिनोमिनेटर को फोर्टी फाइव दोनों को फोर्टी फाइव में कन्वर्ट करेंगे सो नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव एंड फाइव नाइन 45। फोर्टी फाइव ओके बच्चों? तो देखिए अभी नाइन को अगर आप फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर फोर को भी फाइव से ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है ओके सो फोर इंटू फाइव नाइन इंटू फाइव देन माइनस अब टू बाई फाइव इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव 9s are 45. Okay. So 5 9s are 45, 2 9s are 18. So the new fractions are, these are like fractions 20 by 45 minus 18 by 45 equals to, so 20 minus 18, 2. Okay. Only 2. So 2 by 45 answer. So we have found our answer of subtraction. Okay. Subtract. We have subtracted these fractions. Right? So easy. थ्री बाई एट माइनस वन बाय एट दिस यू कैन सॉल्व इजिली बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम सो दीज आर ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन ये पहले से ही लाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमको कुछ से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो सिंपली आप डिनोमिनेटर में एट लिख दीजिए और ऊपर थ्री माइनस वन कर दीजिए ओके थ्री माइनस वन टू बाय एट नाउ हेयर यू विल नोटिस वन थिंग दैट टू बाय एट ओके एट इज द मल्टीपल ऑफ टू तो इसको आपको लोवेस्ट टर्म में लिखना है ठीक है तो आप इस दोनों को किससे डिवाइड करेंगे जब भी आप लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो आपको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई नहीं करना है ओके तो टू इसको टू से डिवाइड करेंगे और एट को भी टू से डिवाइड करेंगे ओके सो दैट विल बी वन बाय फोर सो द वन बाय फोर इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ टू बाय एट सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व तो इस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं और एडिशन मैंने आपको पहले ही समझाया था तो ये दोनों आपने ऑपरेशन समझ लिए ठीक है बच्चों कि सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है तो ये मेथड थे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको ईजिएस्ट वे में समझाने की आई होप आपको समझ भी आया होगा अच्छे से और कभी भी जब मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाऊं बच्चों हमेशा वीडियो पूरा फुल देखा कीजिए स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत से पॉइंट मिस कर देंगे फिर आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से ठीक है तो ये याद रखना है आपको कि पूरा वीडियो ध्यान से केयरफुली देखना है तो आज के लिए इतना ही था मैं फिर से कुछ नया टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्रैक्शन चैप्टर का ही अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट बचा हुआ सो आई विल डेफिनेटली कम विद माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट फ्रैक्शन चैप्टर तो उतने तब के लिए तब तक के लिए आप बहुत अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए ठीक है पढ़ना मत छोड़िए बच्चों कुछ ना कुछ रीडिंग राइटिंग करते रहिए ताकि आपकी हैबिट बनी रहे ओके और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस सो थैंक्स फॉर वाचिंग वी विल मीट वेरी सून टिल देन बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू